जलंधर पठानकोट हाईवे पर स्थित सराभा नगर गली नंबर 2 में उस समय इलाके में अफरा तफरी मच गई जब अपनी मां के साथ आ रहा 4 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया। लेकिन उसकी मां को तब पता चला जब उसने घर जाकर देखा तो उसका 4 साल का बेटा आशीष कुमार मिश्रा साथ नहीं था। जानकारी देते हुए बच्चे के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी आशा के साथ कहीं काम के लिए गया था। जब वह घर पहुंची तो उसका 4 साल का बच्चा साथ नहीं था। उसने आसपास ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन नंबर 8 की पुलिस मौके पर पहुंची। वो ACP नॉर्थ सुखजिंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे। आसपास लगे कैमरों की फुटेज के अनुसार बच्चा दिखाई दिया है। बोरवेल मोटर के कुएं के अलावा अन्य जगह पर बच्चे को ढूंढा गया लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। पुलिस ने देर रात तक मोहल्ले निवासियों के साथ बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस की जानकारी के अनुसार आज सुबह बच्चा गदईपुर से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें थाना डिवीजन नंबर 8 की SI कुलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा देर शाम अचानक अपनी माँ से अलग हो गया था और रास्ता भूल गया था। रोते रोते गदईपुर पहुंचा जहां एक युवक ने उसे अपने घर रखा और सुबह होते ही पुलिस को सूचित किया। थाना 8 की पुलिस ने बच्चे को गदईपुर से बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है। देखिए सुखविंदर बग्गा की पूरी रिपोर्ट। सर की मामला क्या है जी? सब नगर से अभी हमने आए हैं। एक बच्चा 4 साल का आशीष कुमार का नाम आया। ये कोई 6 बजे तो कैमरे में देखा इधर जा रहा है। असं काफ़ी घंटे तो लभ रहे हैं। पहले पेरेंट्स लभ रहे सर इनफॉर्म किया है। असं पुलिस पार्टी मैं ACP नॉर्थ के SHO 8 डिवीजन आए हैं। चैक कर रहे हैं इधर बोरवेल वगैरह है उसे चैक करने के लिए। सर जिदा सुनने के आया कि बच्चा अपनी माँ के नाल आ रहा है तो जो माँ के कोलों गया वो उन्होंने पता नहीं चले जी इस बारे? नहीं बच्चा 4 साल का वो मतलब उंगली छड़ा के ऑपोजिट चल गया मतलब लेफ्ट साइड चले वो राइट साइड चले। वैसे सारिया गलियां पार्क चेक की जी? बिल्कुल कर रहे हैं जी। सारे पहले पब्लिक वाले भी कर रहे थे। सारी फोर्स आई थाने की मैं भी नाल आया इतने कर रहे हैं।